एक्टिंग स्मार्ट इज द बुक्स नेम, तो आज किसी ने जरूरत की आपके साथ एक्ट स्मार्ट करने की या ओवर एक्टिंग करने की? मैं एक्चुअली वेट करती हूँ कि कोई मेरे साथ स्मार्ट एक्ट करे. इट्स बीन रियली लॉन्ग, आई हैव बीन वेटिंग, इट हैजंट हैपेंड. सो एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस, प्लीज डू एक्ट स्मार्ट विद मी. I have actually, Tiska has been very sweet enough to mention my name in the book and write something about my life and my career. And it's wonderful because मैं टिस्का को बहुत पहले से जानती हूँ. हमने एक शो साथ में किया था, कहानी घर घर की, टीवी साथ में किया था हमने, और where she played my mother. And we were friends even then and we are friends even now. And I'm so proud of her life journey and her career's journey. She's had a beautiful career and the way she's taking it forward, she's set an amazing example for a lot of actors, for a lot of people. So it's really great. But any word of wisdom would you like to share with the strugglers who are watching you at the moment? I would just like to say that people need to learn the craft. These days anybody becomes an actor and people think ki are chalo, you know, kuch aur nahi kar pa rahe hain to actor hi ban jate hain. That is just horrible. जैसे इंजीनियर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है. सिमिलरली आई थिंक दैट टू बिकम एन एक्टर वन नीड्स टू यू नो वर्क हार्ड, ब्रश योर स्किल्स, आई डोंट नो, फर्स्टली हैव द टैलेंट. हमेशा ये कहते हैं कि यू नो पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं. हर किसी को जन्म से जो टैलेंट होता है, जो हुनर होता है, उसको अगर वो पॉलिश करे तो आगे जाकर उसको आप अपना करियर बना सकते हैं. Similarly, first of all, you need to have the talent, you know, to be an actor. अगर वो talent है, उसके बाद आप उसे polish कर सकते हैं, उसे shine करके आ सकते हैं. तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि एक तैयारी कीजिए, be ready, prepared आइए. अगर आपको acting करनी है, और सिर्फ ये सोच के मत आइए कि हम बन जाते हैं ना, actor बनने में क्या है. This attitude is not good.